जुमानजी द नेक्स्ट लेवल। ओके, इस बार जो ये माइक है वो मैंने अपने हाथ में इसलिए पकड़ा है क्योंकि भाई अगर यहाँ मैं माइक रखता हूँ तो आवाज़ उतनी क्लियर नहीं आती एज़ कम्पेयर टू अगर मैं माइक अपने हाथ में पकड़ के अपने मुंह के जितने नज़दीक रखता हूँ। हाँ, लॉजिक है कि थोड़ा जितना नज़दीक अपने माउथ के नज़दीक रखते हैं उतनी आवाज़ क्लियर होती है। खैर छोड़ो उस चीज़ को, हम बात करते हैं जुमानजी द नेक्स्ट लेवल। इसकी जो फर्स्ट मूवी थी जुमानजी वेलकम टू द जंगल, उसी का ये सीक्वल है। कंटिन्यू रखी गई है जो स्टोरी पहले वाले में थी और इसमें जो है वो कंटिन्यू रखी गई है। खैर बात करते हैं, इसको डायरेक्ट किया है जैक कैसडन ने, यही नाम है क्या? ओके, क्या जैक कैसडन यही नाम है। फिलहाल जो है मैंने नाम लिख रखे हैं क्योंकि नाम इसमें कास्ट बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मुझे नाम लिखने पड़े। जो ये डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं, ये तीनों काम इन्होंने ही किए हैं। या एक काम करने में यार हालत ख़राब हो जाती है, ये तीन तीन काम संभाल लेते हैं, बड़े ही तेज लोग हैं। ओके, कास्ट की बात करें, फिलहाल वो कास्ट में जो है भी जो भी कास्ट है वो मैं पढ़ के बताने वाला हूँ क्योंकि यार इतने इतने कास्ट नाम याद रखना थोड़ा इम्पॉसिबल है और ह्यूमन बीइंग हो यार, चीज़ें लिख कर याद अच्छी रहती है मुझे ताकि गड़बड़ ना हो, मुझे फिर से ये एडिट वेडिट ना करनी पड़े। ओके, जो पहले हैं डाइन जॉनसन, जो मतलब रॉक है, उन्होंने प्ले किया एक ब्रेव स्टोन का किरदार। कैरेन गिलन जो मार्था बनी है, जैक ब्लैक प्रोफेसर शेली ओब्रेन, केविन हार्ट जिन्होंने फ्रैंकलिन का निभाया, और निक जोन्स प्रियंका चोपड़ा के पति देव जो हैं सी प्लेन मैकडोनिक, क्या अजीब गरीब नाम है। और ये कौन है, आक्वाफीना नाम देख लेना यार, मिंग का किरदार निभाया, लड़की है वैसे ही। ओके, नाराज़ नहीं होनी चाहिए यार, वैसे भी कौन सी हिंदी समझ आएगी। ओके, स्टोरी की बात करें, देखो इसमें बहुत सारे कास्ट हैं, मैंने बहुतों के नाम ले लिए, जो इंपॉर्टेंट थे वो ले लिए। अब स्टोरी की अगर मैं बताऊं तो वही जो मैंने स्टार्टिंग में 2-3 सेकंड जो बोली है कि जो फर्स्ट जो पार्ट था उसका सीक्वल, उसके इसका वेलकम टू द जंगल, उसी को कंटिन्यू रखा गया। उसके अंदर जो गेम जो था पहले वाले में, इसमें थोड़ा गेम जो इसमें चेंज कर दिया गया है। वही जो फर्स्ट पार्ट में चार जो जो दोस्त होते हैं वो एक गेम के थ्रू एक जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं और फिर उन्हें एक गेम खेलना पड़ता है, फिर वो बाहर आते हैं एज इट इज़। यही कॉन्सेप्ट इसमें रखा गया, लेकिन इस बार क्या होता है, एक लड़का जानबूझ के, स्पेंसर जानबूझ कर गेम में जाता है, पता नहीं क्या करने जाता है, सटक गई होती सारों की, तो उसको बचाने के लिए उसके दोस्त पीछे पीछे चले जाते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट इस ये है कि स्पेंसर को बचाने उसके दादाजी या ना नाना जी और उसके नाना जी के दोस्त, ये दोनों भी उस गेम में पहुंच जाते हैं। अब ये जो चीज़ थी, ये जो चीज़ इन्होंने जो मूवी के अंदर डाली है, ये कमाल की चीज़ है। जब इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था से इसका जुमानजी द नेक्स्ट लेवल का, तो मैं ये सोच रहा था कि यार इसकी फर्स्ट जो मूवी थी वो इतनी अच्छी थी, उसे मैंने इतना इन्जॉय किया था, ये जो सेकंड मूवी आई है ये इतना उसे ख़राब ना कर दे। लेकिन कमाल की बात है, ये जो सेकंड जो मूवी है जुमानजी द नेक्स्ट लेवल, ये उससे भी मतलब कहोगे नेक्स्ट लेवल ही है। उसमें कॉमेडी अच्छी है, एक्शन अच्छे हैं। अब दोनों मूवी में थ्रिलर तो है नहीं, आप देखोगे आप डर जाओ, इतना वो कुछ है नहीं, लेकिन जो कॉमेडी के फेस पे अगर मैं बात करूँ, आप हंसोगे, लोटपोट होगे, और जो इसके अंदर जो डायलॉग हैं, जो एक्शन है वो जबरदस्त है यार, कमाल की एक्टिंग, जो रॉक की जो एक्टिंग है इस बार, जो उन्होंने खुल के जो एक्टिंग की है ना, मतलब एक बूढ़े का किरदार, एक बूढ़ा आदमी जब रॉक बनता है। देखो यार, अगर आप लोगों ने फर्स्ट मूवी नहीं देखी तो पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फर्स्ट मूवी ही देखें ताकि आप लोगों को समझ में आए इसकी सेकेंड पार्ट की क्या हुआ था, कैसे लोग आपस में चेंज हो जाते हैं और इसके अंदर भी थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं, कुछ अलग ही तौर तरीके से इस बार चेंज होते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको मूवी ही देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये समझाने बैठूंगा तो यार स्टोरी बताने वाली बात हो जाएगी। यहाँ तो मैं बताने आया हूँ कि कितना इन्जॉय किया, कितना इन्जॉय नहीं किया और क्या चीज़ें मुझे अच्छी लगी। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा जो रॉक ने जो एक्टिंग की और जो जैक ब्लैक है उन्होंने जो एक्टिंग की, कमाल की एक्टिंग यार, मतलब कभी उनके अंदर एक ऐसा लड़का आ जाता है जो जवान है, कभी एक लड़की आ जाती है, तब वो किस तरीके से अपनी बॉडी लैंग्वेज को वो चेंज करते हैं, अपनी वॉइस को वो चेंज करते हैं, अपने हाव भाव जो चेंज करते हैं, देख के ही हंसी आती है। और जो दो करेक्टर हैं स्पेंसर के नाना जी और उसके नाना के जो दोस्त हैं माइलो एडी और माइलो, एडी जो है वो नाना है, तो ये जो एडी है वो बचपना है उसके अंदर, वो उस बचपने को रोकने, मतलब जो रोक है उन्होंने कैसे उसको प्ले किया, इतना
इतना जबरदस्त उनकी एक्टिंग को जिया यार इस बार, कि थ्रिलर ना होने के बावजूद, कॉन्सेप्ट सेम होने के बावजूद, ये जो एक्टिंग है ना वो कमाल की, ग्राफिक्स अच्छे हैं काफी, बहुत अच्छे हैं। तो यार अगर आप लोग पूरे वीक टेंशन से गुजरे हैं तो, और आप हंसना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, अब देखो यार फैमिली के साथ आप जा सकते हैं, थोड़े बहुत सीन जो हैं वो हैं, देख सकते हो यार, ऐसा कुछ नहीं, आंख बंद कर देना अपने बच्चों की, बट इतने नहीं है, तो एक तो एक दो होंगे, बाकी मूवी बहुत अच्छी है। इस मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 8.5 out of 10 star। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी, वैसे कौन कमेंट आते आते नहीं है, कहने मेरा फर्ज बनता है, अगर नहीं देखी है तो जाके देखो यार, किस चीज़ का वेट कर रहे हो, मूवी अच्छी है, काफ़ी टाइम बाद का बहुत कम मूवीज ऐसी आती हैं जो आपको रिलैक्स कर दे। तो यार स्माइल देख रही हो, मतलब देख रहे हो मूवी देख के, अब क्या है कि हर बार की तरह मैं लेट हुआ हूँ रिव्यू करने में, क्या करें यार, वही देख तो मैंने पहले ली थी, लेकिन क्या करें टाइम नहीं मिलता, बिजी इंसान हूँ यार, बहुत बड़े बड़े बिजनेस चलते हैं मेरे तो फेंक रहा हूँ। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।